ग्राम पंचायत लाख सनीजा से पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा आज ग्राम पंचायत में देखे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत और सद्भावना सेवा समिति की ओर से इनको सरल बनाने की ट्रेनिंग एवं इनको कानूनी ज्ञान के लिए आज एक शिविर रखा गया है। और जिस शिविर में यहाँ की स्थानीय समूह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भाग लिया है, तो ये पूरा देखिए पूरा ग्रुप है और सरप बनाने की ट्रेनिंग जो है यहाँ दी जा रही है। और सद्भावना सेवा संस्थान गरिमा योग गरिमा परियोजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लाख समीजा में ये कार्यक्रम चल रहा है। सिस्टर कीर्ति यहाँ मौजूद है, हमारी स्थानीय कोटा के सिस्टर रानी मौजूद है। मजा आ गया, पूजा खेड़ा तो सरप बनाने की तकनीक तो हमारे आज के अध्यक्ष कौन है? सरपंच साहब बताइए। ये छोटा वाला ना, इससे कपड़ा तो बना के अब तो घर पे इस्तेमाल करते हैं। छोटा में तो कोई अच्छे से बताता नहीं, लेकिन किसकी वजह से हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वाह भैया, नाम क्या आपका? तो सरप बनाने की तकनीक चल रही है। थोड़े बताते भी रहो क्या क्या मिला रहे हो, क्या क्या है। तो देखें सबसे बेस्ट सरप तैयार हो रहा है। बेस्ट ही है, बेस्ट ही है। कौन सी कंपनी का है? लाख समीजा, लाख समीजा कंपनी का है ना, हमारी ग्राम पंचायत का है। अच्छा बना कि नहीं बना कैसे पता लगेगा? अच्छा नहीं, कोई ना कोई चक के देखो। हाथ में ग्लव्स पहनने जरूरी है ना इसमें, नहीं तो हाथ को नुकसान हो सकता है। तो सरप बनाने की तकनीक बहुत ही अच्छी है। क्या क्या मिलाया इसमें बताओ? एसिड पाउडर मिलाया है, एसिड लिक्विड मिलाया है, बेकिंग सोडा भी। अच्छा वो छोटी जो था ना, क्या था? बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा। हाँ फिर लास्ट में परफ्यूम है ना, अंतर वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, खुशबू के लिए।
उड़ रहा है ना, ये नाक में आ रहा है। अपने घर पे सरप बनाएं, और सरप बनाने के लिए बहुत ही सुंदर तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है कि सरप को बनाने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। घर बैठे आप 150 रुपये में 6 महीने तक का आप सरप बना सकते हैं। क्या क्या मिलाया है गुड़िया इसमें? एसिड सिलेरी पाउडर, एसिड लिक्विड, बेकिंग सोडा और खुशबू के लिए पर लोग चाहे कुछ भी डाल सकते हैं अंदर। और इसकी विधि क्या, विधि की कैसे की है इन्होंने, विधि बताओ थोड़ी। विधि तो मतलब छोटे को किसी पात्र में ले सकते हैं और उसके बाद हम लिक्विड डाल देते हैं, उसको अच्छी तरह से बनाया जाता है पहले तो, ताकि उसमें वो मोटे मोटे वो नहीं पड़े। उसके बाद हम उसको अच्छी तरह से हाथों से कर लेते हैं और बाद में बटर डाल दो और वो बेकिंग सोडा डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रख दो ताकि वो थोड़ा मतलब अच्छे से हो जाए, फिर आप बाद में यूज़ कर सकते हैं उसका। बहुत अच्छे। मैंने थोड़ी थोड़ी ठा पड़े है। गुजराती है बद्दू आवे। हम लोग तो सरप तैयार हो चुका है, प्लेटें आ चुकी है, टेस्ट करने के लिए सभी टेस्ट करके देखेगी क्या? तो इस सरप को सभी को प्लेट में दिया जाएगा और ये सभी कल घर जाकर इसको चेक करेंगे, इस सरप की क्वांटिटी को जांचेंगे। जैसे ही महिलाओं ने सुना है कि ये सरप हमको दिया जाएगा, बड़ी खुश हो गई है सभी। जैसे ही सुना कि ये सरप दिया जाएगा, इस सरप को घर ले जाएंगे एक प्लेट में। सरप भी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अब आने लगी है। क्या बना सरप बना, क्या क्या मिलाया लिखा नहीं। तो ये दोनों मिक्स कर दिए गए, 6 किलो सरप तैयार हो गया है। 6 किलो अब इसको प्लेटों में भरा जा रहा है। अपने घर बैठे माताएं बहनें कई समाधान कर सकती है, घरेलू उपकरण, घर की परिचर्या के लिए, घर के केयर के लिए भी थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो सर्प बनाने की विधि को आपने समझा, सर्प बनाने की विधि बहुत ही सुंदर तरीके से, ज़्यादा कोई मशक्कत नहीं है।
तो सर्प वितरण किया जा रहा है सभी। क्या करना है, सुखा के इसको फिर काम में लेना है ना, घर पे ले जाके सुखाना है इसको। देखो जो समझा के देना, वाह ऐसे नहीं खा ले, मुंह में नहीं चला जाए, ऐसे प्रसाद समझ के खा ना ले। तो ये थी सर्प बनाने की तकनीक, ग्राम पंचायत लक्ष्मिया लक्ष्मिया जा। लक्ष्मिया से ये सीधी आप खबर देख रहे थे, जहाँ सर्प बनाने की तकनीक है। तो ऐसी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी सामाजिक खबरें देखने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद।